हाय फ्रेंड्स, आज मैं कफ सायरप का रिव्यू करने जा रहा हूँ। बलगम युक्त खांसी को दूर करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कोपसी सायरप ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध होता है। स्काईमैक्स लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 100 ml की एक बॉटल मार्केट में 60 rupees की उपलब्ध होती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अस्थाकाइंड LS एक्सपेक्टोरेंट सायरप, जिसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। मैकबेरी LS एक्सपेक्टोरेंट सायरप, जिसे मैकलियॉड्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। रेस्पिक्योर LS एक्सपेक्टोरेंट सायरप, जिसे कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। एक्सपेक्ट LS एक्सपेक्टोरेंट सायरप, जिसे एलकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और ब्रोजीडेक्स LS किड रेस्पिबरी एक्सपेक्टोरेंट सायरप, जिसे बुकहार्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध है कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो आप इस प्रोडक्ट के ना मिलने की स्थिति पर भी परचेस कर सकते हैं और काम चला सकते हैं, क्योंकि आपको इनका भी इफेक्ट सेम ही मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर का जो मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कंपोजिशन की। तो पर 5 ml की मात्रा में एम्बरोक्सोल 30 mg, लिपोसाल्बुटामोल 1 mg और गोएफेंसिन 50 mg की मात्रा में इस सायरप में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट के कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि यह एक एक्सपेक्टोरेंट सायरप है, तो इसलिए बलगम वाली खांसी जो होती है उसके लिए इस मेडिसिन का या इस सायरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जी मिचलाना, उल्टी होना, डायरिया होना यानी दस्त का होना, पेट खराब होना, पेट में दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शंस का होना, सिर दर्द का होना, रैशेस का होना, दिल की धड़कन का बढ़ना, चक्कर आना, हाइप्स का होना, कपकपी होना, मांसपेशियों में क्रैम्प्स का होना और हृदय गति का बढ़ना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके डॉक्टर के सजेशन के अनुसार, उसकी डोज और ड्यूरेशन के अनुसार आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले मेडिसिन को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, उसके एक्सपायरी डेट को चेक करना चाहिए, लेबल की जांच कर लेना चाहिए, मापने वाले कप से मापना चाहिए और डॉक्टर के रिकमेंडेड डोज के अनुसार आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले बॉटल को अच्छी तरह से हिलाना चाहिए। इस सायरप को भोजन के साथ भी या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है, परंतु आप अगर इस मेडिसिन को एक निर्धारित समय पर लेते हैं तो मेडिसिन की क्वालिटी में प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कंपोजिशन के सेक्शन में मैंने आपको बताया है कि यह 3 मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एम्ब्रोक्सोल होता है, लिबोसाल्बुटामोल होता है और गोइफेंसिन होता है। तीनों मेडिसिन इफेक्टिवली इंटीग्रेटेड वर्क करती हैं और आपको अपने लक्षणों में राहत महसूस होती है। एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक कंटेंट होता है जो आपके म्यूकस या फ्लैग्म जो होते हैं यानी कफ जो होता है उसको पतला करता है और बाहर निकालने में मदद करता है। लिबोसाल्बुटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर होता है और सांस लेने वाली जो नलियां होती हैं उनको चौड़ा करता है, जिसके कारण हवा अधिक मात्रा में अंदर जाती है और आपको अपने लक्षणों में राहत महसूस होती है। गोएफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट होता है जो बलगम यानी जो आपका कफ होता है उसकी चिपचिपाहट को कम करता है और श्वास नली से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। अब ये तीनों मेडिसिन जब एक साथ काम करती हैं तो आपको अपने लक्षणों में राहत महसूस होती है और आप सांस लेने में सरलता महसूस करते हैं। मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को बलगम वाली खांसी से राहत पहुंचाने के लिए आपको डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है। ब्रोंकियल पल्मोनरी डिसऑर्डर जैसे ब्रोंकाइटिस का होना या ब्रोंकियल अस्थमा का होना या इम्फाइसीमा इत्यादि के होने के केस में इस मेडिसिन को आपको लेने की सलाह दी जाती है। मेडिसिन लेने के दौरान आपको चक्कर आ सकता है, नींद भी आ सकती है, अतः आपको यह एडवाइस किया जाता है कि जब तक आप इसके प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से ना समझ लें तब तक आपको ड्राइविंग या कोई भी मेंटल कंसंट्रेशन का वर्क नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की हैवी मशीनरी वर्क नहीं करना चाहिए जिसमें मानसिक एकाग्रता की ज़रूरत होती है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपका ग्लूकोज लेवल घटता बढ़ता रहता है, तो मेडिसिन को लेने के दौरान आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलरली चेक करना चाहिए। अगर आपको हार्ट की कंप्लेंट है या थायराइड की कंप्लेंट है तो आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में पहले से बताना चाहिए। मेडिसिन को लेने के एक सप्ताह तक अगर आपको आराम ना मिल रहा हो या साथ में बुखार आ रहा हो, रैशेस हो रहे हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो इस मेडिसिन को बंद करके डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए।
इससे जब आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो उस टाइम पे अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भावस्था या स्तनपान के ड्यूरेशन से अगर आप गुजर रहे हैं तो यह आपके लिए एडवाइसेबल होगा कि उस दौरान मेडिसिन को आप अपने डॉक्टर के परामर्श के पश्चात ही सेवन करें। किडनी और लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेडिसिन के रिव्यू हमारे चैनल पर लगातार आते रहते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।